भगवान कृष्ण जो हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान कृष्ण हमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि भगवान हमसे प्रेम करते भी हैं या नहीं करते, तो कृष्ण जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे एक माता का प्रेम, प्रभुपाद जी कहते थे करोड़ों माताओं का प्रेम एक तरफ रखो और भगवान कृष्ण का जो प्रेम है अपने भक्तों के लिए वो एक तरफ रखो। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है वैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण जो है वो बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते करते हैं कि कृष्ण जो है उनको पता था कि कलयुग आने वाला है। ये जो कृष्ण है श्री राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, जो चैतन्य महाप्रभु है वो स्वयं राधा कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और अब क्यों आए वो? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता दी, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता दी है वो भी 700 श्लोकों की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए भगवान कृष्ण स्वयं है और उनसे दयालु अवतार कोई नहीं है। कृष्ण को हमारी जीवन की चिंता थी, हमारी चिंता थी। लोग बोलते प्रेम नहीं करते, तभी तो चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु आए और उनको वो हमारे लिए क्या लेकर आए? ये हरि नाम संकीर्तन लेकर आए। भगवान प्रेम करते हैं तभी तो भगवान ने भेजा। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक दिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर सिर्फ 8 ही श्लोक दिए। और सबसे आसान रास्ता महाप्रभु लेकर आए हैं कि जैसे सतयुग में ध्यान योग किया जाता था, कई साल ध्यान लगाना पड़ता था, फिर त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी अर्चनाएं, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर ये सबसे आसान रास्ता लेकर आए हैं, सबसे छोटा रास्ता लेकर आए हैं। क्योंकि कृष्ण को पता था ये कलयुग आ जाएगा, लोग इतना पाप में गिर जाएंगे, इतना पाप करने लगेंगे, उनके पास समय ही नहीं रहेगा जीवन में ध्यान करने का, कुछ करने का। लेकिन तो क्या करें उनके उद्धार के लिए? भगवान को चिंता है तभी तो हमारे उद्धार की चिंता करी। भगवान तो हमें बुलाना चाहते हैं, भगवान तो हमें कह रहे हैं सब कुछ, तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर सबको बोला हरे राम हरे राम हरे राम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति रहनेता। क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? ये हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर आए और सबको बांट दिया, सबको दिया चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र। और चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 ही श्लोकों की हमें शिष्टाष्टकम दिया है, जिसको हम शिष्टाष्टकम बोलते हैं। वो जो 8 श्लोक हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं और महाप्रभु हमसे प्रेम करते हैं तभी तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र लाकर दिया। और ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? सबसे आसान रास्ता है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं तभी चैतन्य महाप्रभु आए और कृष्ण ने स्वयं आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये हरि नाम संकीर्तन का वितरण करा। सबको हरे कृष्ण महामंत्र वितरण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी अपना कार्य जब पूरा नहीं कर पाए, सब लोगों को नहीं दे पाए ये हरे कृष्ण महामंत्र, तो भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को भी भेज दिया। कृष्ण ने फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया और श्रील प्रभुपाद ने आकर क्या किया? इस हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे देश संसार विश्व भर के अंदर इसको फैला दिया। इस हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह फैला दिया। ये जिसके जीवन में जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये कृष्ण भक्ति मिलेगी, उसके जीवन में भी भक्ति दे दी। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और ये जो आप तिलक लगाते हो, कंठी माला पहनते हो, ये बहुत बड़े बड़े मान भय से हमारी रक्षा करता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र आपको लाखों दुखों से, लाखों टेंशनों से और इस संसार से निकालने का एक ही रास्ता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।